हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हो गई है रात, तो अभी हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका था, पर मेरे बच्चों को भूख लगी है। तो अभी हम लोग 11-12 बजे के तकरीब हम लोग अभी इनके लिए बनाने जा रहे हैं मैगी, जो ये दोनों बहुत भूखे हैं। दोनों अपना अपना देखिए कैसे किचन में, दोनों मेरे साथ में मेरे पीछे पड़े हैं। देखो मेरे बेटे लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही परेशान करते हो दोनों जन। एक तो मेरा बेटा पानी भी चढ़ा दिया मैगी के लिए, तो ऐसे ही मुझे परेशान करते। रात के 12 बजने पर है और हमारे घर में अभी तक इनको भूख लग रही है। तो चलिए मैगी खाते हैं बनाकर। ये प्रोग्राम देख रही हूँ जो मेरा फेवरेट, करंटली फेवरेट प्रोग्राम है। आप लोग भी देख रहे होंगे ये प्रोग्राम तेरे बिन। तो यहाँ पर हमारे शेफ तमीम, यहाँ देखिए जरा मेरे प्यारे बेटे, यहाँ पर वो एक पेठा भी खा रहे और मैगी भी जल्दी जल्दी बना रहे। इनको भूख जो लगी है कुछ भी भाई। और यहाँ पर ये मेरा छोटा बेटा भी पेठा खा रहा है, जो आगरा का फेमस पेठा है। बताओ बेटा ये पेठा है, आप लोग इसे क्या बोलते हैं? ये वाइट मीठा पेठा रहता है, जो शॉप्स पे मिलता है, लोकल जगह पे मिलता है। हम लोग वो भी मिठाई खा रहे हैं और यहाँ मैगी भी बन रही है ऑलमोस्ट। अगर मेरा बेटा आ रहा है अभी, ये दोनों यहाँ बैठ कर मैगी खाने वाले हैं। ये बहुत शाना है यहाँ, अपने प्लेट में ज्यादा मैगी डाल के लाता है। देखो कैसे चुरा रहा है। और ये भी कमती का नहीं है। देखो अभी दोनों मैगी खाने बैठे हैं। ये चीटिंग है, तमीम ऐसे नहीं करते। तो अभी ये दोनों का चल रहा है, गरम गरम मैगी खा रहे रात को मस्त 12 बजने के करीब। पर ये लोग की मस्ती में चल रही नहीं है, देखे अभी ना चल रही है खाने की तैयारी। देखे खाने में नुक्स निकालना तो इससे सीखिए। तो अभी ये लोग तो मैगी खाने बैठ गए, तो अभी मैं और मेरी मॉम ने सोचे कि हम लोग भी कुछ खा लेते हैं। जब ये लोग खा रहे तो मैं भी पीछे कैसे रह सकते हम लोग। तो अभी हम लोग ने पराठे तो ऑलमोस्ट आधा सेक के रख दिए थे, जैसे उस दिन सीख पराठा बनाए थे, तो रोटी वगैरह तो वैसे सेक के रखी हुई है। तो हम लोग ने सोचे अभी इसको सेक लेंगे। और हम लोग के पास ब्रिटानिया का चीज़ स्प्रेड है, तो हम लोग अभी वही लगा कर खाएंगे, या न्यूट्रेला लगा कर खा लेंगे, या मेयोनेज केचप जैसे भी होगा वैसे रोल बना कर हम लोग अभी खा लेंगे। तो आप लोग भी आइए रात के इस वक्त में हमारे साथ, बिस्मिल्ला करिए, आप भी खाइए हम भी खाते हैं। और ऐसी मस्ती मजाक तो ठंडी का मौसम है चलती ही रहती है, सबके घरों पे होते हैं, क्योंकि ठंडी तो काफ़ी माशाल्लाह इस बार तो मुंबई में काफ़ी काफ़ी ठंडी है। और घर में भी स्वेटर पहन के बैठना पड़ रहा है, पंखे बंद करके बैठना पड़ रहा है। तो इसके लिए तो रात का वक्त है, तो भूख तो कभी कभी आप लोग को भी लगती होगी, हमें भी आज लग गई है। तो हम भी खा रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं। मेरा चीज़ ब्रिटानिया का स्प्रेड रोल, अभी मैं इसे रोल करूँगी और इसे गर्मा गर्म खाऊंगी। तो आइए आप भी बिस्मिल्लाह करिए और हमारे साथ खाइए। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर सभी को मुबारक हो, गुड मॉर्निंग। तो आज कुछ स्पेशल डे, तो आज है रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी। तो आप सभी को हम सबकी तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ माई इंडियन फैमिली मेम्बर्स, जो हमको हमारे देश को आगे अल्लाह और आगे तक बढ़ाए और भारत माता की जय हो। तो अभी हो गई है मॉर्निंग, तो अभी मेरा बड़ा बेटा तो स्कूल जा चुका है, स्कूल में कुछ फंक्शन है उनका। तो अभी छोटा बेटा तैयार होके, उसका भी आज सिंगिंग फंक्शन है, तो वो वहाँ पर रेडी होकर वो वहाँ पर फिर जाएगा। तो अभी हमने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आज ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाला है। तो ये रहा उसका ब्रेकफास्ट, आज हमने बनाया है हाफ फ्राई और एक रोटी। वो ऐसे ही जूस वाला अंडा खाता है, इसे वो जूस वाला अंडा बोलते हैं। और यहाँ पर वो नहा धोकर बैठा है, उसे ठंड लग रही है। तो अभी मैं उसे नाश्ता खिलाकर रेडी करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे रेडी होके स्कूल जाने वाला है। मेरा बेटा रेडी हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको उसने क्या आउटफिट पहना है। तो ये रहा देखिए मेरा बेटा, माशाल्लाह ज़रूर बोलना। ये रहा उसका आज का आउटफिट, बोलो। हाय गाइस। हाय गाइस। आज क्या है मिकाइल? 26 जनवरी। तो आज कौन सा डे है? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। तो अच्छे से जाइए और अच्छे से
गाना गाकर आना, ओके, अपना फंक्शन अटेंड करना, अल्लाह हाफिज। तो अभी मेरा बेटा और मेरी मम्मा जा रही है, तो अभी बाय कर देंगे। बाय मिकाइल, हाय। अभी ये दोनों जा रहे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं मेरे बेटे के स्कूल में जाऊँगी। पता नहीं, काफ़ी लेट हो चुका है मुझे। आई होप कि उसका सिंगिंग फंक्शन हुआ ना होगा। अगर नहीं हुआ रहेगा तो अच्छी बात है, ताकि मैं कुछ शूट कर पाऊँगी उसका। पता नहीं, फिर भी हम जाएंगे। स्कूल के तरफ से हमको इनविटेशन आई थी। तो अभी देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने वाइट गॉगल पहनी हूँ, वाइट कमीज़ पहनी हूँ, वाइट एंड ब्लैक दुपट्टा ओढ़ी हूँ, ब्लैक हिजाब बांधी हूँ मैंने, वाइट एंड ब्लैक, और मैंने ब्लू जीन्स पहनी हूँ। ये मेरा आज का आउटफिट है जो मैंने पहनी हूँ, और आप लोग मिरर में भी देख सकते हैं। फ्लैश की वजह से वो दिख रहा नहीं था, तो मैंने फ्लैश बंद कर दी। ये रहा मेरा आज का आउटफिट। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल इंडियंस, माय ब्रदर सिस्टर। हमको और अल्लाह ऊंचाई पे पहुंचाए हमारे देश को, और हम इसी तरह कामयाब होते रहे, यही हमारी दुआ है। और मुझे सुबह से थोड़ा वायरल फीवर हो चुका है, तो बहुत सर्दी भी हो गई है। तो अभी मैं मेडिसिंस भी खाऊंगी। मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट देखो यहाँ पर रखा हुआ है, मेरी मॉम बना के गए। अभी मैं बस फटाफट ब्रेकफास्ट खाऊंगी और फिर हम चलेंगे हमारे बेटे के स्कूल। मॉम तो नीचे चली गई, हमारे कॉलोनी का झंडा लहराने वाले, तो वो वहाँ पर गए हैं। तो अभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे जल्द मिलते हो स्कूल में। I am in senior KG. My name is Rukaiya Khatun. Respected principal sir, teachers and my dear friends, good morning. We celebrate Republic Day of India on 26th of January. Zameer Sheikh, Faiza Sheikh, they are like to sing a song in Hindi. Let's have... चमक रहा में देश का सितारा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। गणतंत्र दिवस के दिन आओ मिलकर करे दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा।
अभी मैं फाइनली स्कूल से आ गई, मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरे बेटे को अवार्ड मिला है, उसको सर्टिफिकेट मिली, उसको गिफ्ट मिला है। उसने जो मेहनत किया इतने दिन से, उसको रंग लाई है। और बड़े बेटे ने तो कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं, तो उसे कुछ भी नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और यहाँ मेरा बेटा देखो कितना खुश है, देख रहे हैं, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो अभी अनबॉक्सिंग कर, उसको क्या गिफ्ट मिला है। ये सर्टिफिकेट उसको अटेंडेंस पूरा होने की वजह से उसको मिला है, और ये अभी वो अपनी अनबॉक्सिंग कर रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मैडम ने क्या दी। वाओ, वॉट अ बॉटल! तो ये बॉटल हमें स्कूल के तरफ से गिफ्ट के तौर पे मिली है, थैंक यू। सो अभी हो गई है दोपहर, तो अभी हम लोग ने खाना वाना खा लिए हैं। ऐसे ही थोड़ा प्रोग्राम हुआ कि हम लोग थोड़ा आउटिंग पे जाते हैं, तो चलिए अभी मिलते हैं। हम लोग अभी बाहर किधर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो जाकर फिर हम आते हैं वहाँ पर दिखा, अगर होगा तो मैं शूट करूँगी कहाँ पर गए थे क्या किए, फिर वैसा मैं आपको शूट करके बताती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर। कुरला जा रहे हैं, इधर पे देखिए सब मार्केट लगी है कुरला में। यहाँ पर मेरे बच्चे लोग सब आ गए रहे, देखिए बर्गर के दुकान में भी घुसे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर लवली लवली बर्गर्स खाने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग बर्गर खाने हैं, मैंने बोली थी आउटिंग है, तो आउटिंग पे हम लोग यहाँ पर अभी बर्गर खाने के लिए, अभी हम लोग ने ऑर्डर दे दिए बर्गर का, अभी हम लोग यहाँ पर बर्गर खाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर अभी हम लोग मस्त बर्गर खाने वाले, देखो ये लोग तीनों कैसे बर्गर पकड़ के खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी देखिए अभी खाने के लिए ये लोग बहुत उत्सुक हो रहे हैं। अभी मेरे बेटे को पहले खिला देते हैं, बहुत गर्म है बर्गर। माशाल्लाह यहाँ का बर्गर बहुत टेस्टी होता है, हम लोग हर बार इधर का ही खाते हैं। मम्मा खाओ, ओ हो यहाँ सॉस भी डाल रहे हैं इसमें भी। तो गाइस कैसा लग रहा है बर्गर खा के? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। तो अभी हम लोग ये कुर्ला के अंडरग्राउंड ब्रिज में आए हैं, तो अभी यहाँ पर देखिए सब दुकान लगी, हम लोग यहाँ पर भी कुछ ख़रीदारी करी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न हमारा घर, यहाँ बहुत क्राउड रहता है हमेशा। घर पर तो अभी हम लोग ने आज बाहर गए थे ऐसी आउटिंग में, आज हमने हमारे वे में आज खूब इंजॉय किए। 26 जनवरी भी था तो आज बहुत मज़ा किए। अभी काफ़ी टायर्ड हो चुकी हूँ, तो मैं अभी जिधर गई थी तो उधर से मैंने ये वाला विंटर का जैकेट लेकर आई हूँ। काफ़ी माशाल्लाह अच्छा था और एकदम रीजनेबल रेट में था। कुर्ला में तो काफ़ी चीज़ सस्ती ही मिलती है, बट ये बहुत ही अच्छा था। और ये पूरा न्यू जैकेट है, तो एक ये जैकेट और एक मेरे बेटे का जैकेट हमने लेकर आए हैं, जो ये वाला है, आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से। हाँ, ये एक जैकेट हम लोग ने लेकर आए आज। तो अभी इसी के साथ चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आज जो भी मस्ती मजाक जो भी इन्जॉयमेंट हमने किया 26 जनवरी हमारे वे में हमने इन्जॉय किए, स्कूल गए, सेलिब्रेशन दे गए, बहुत मज़ा किया आज। तो अभी काफ़ी टायर्ड डे था ये, तो ठीक है फिर मिलेंगे जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।